गाइस आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, ये अभी इंस्टाग्राम के अंदर बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन सबको ये करना नहीं आता कि कैसे इस टाइप का फोटो वो अपने लिए मतलब एडिट कर पाए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइस पिक्सआर्ट के अंदर आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल में आप इसको कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो गाइस मेरा नाम है अनंत और आप है ऐसी एडिटिंग जोन चैनल के अंदर। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया तो मेरा जो आईडी है वो है @anantcreation, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देखने के बाद मुझे इंस्टाग्राम के अंदर भी फॉलो कर लेना, ठीक है? मैं वहाँ पे हर एक चीज़ का अपडेट देता रहता हूँ। तो गाइस ये जो बैकग्राउंड देख सकते हो, ये बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। लेकिन वीडियो के ऊपर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ कहना चाहता हूँ। अब वीडियो को एक्चुअली स्किप मत करके पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रोसेस में यहाँ पे मतलब कर रहा हूँ वो देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप अपना कोई भी फ़ोटो यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रेफर करता हूँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप उसी फ़ोटो को यूज़ करो जहाँ पे आपका पोज एक अलग हो, मतलब जहाँ पे आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छे से नज़र आ रहा है। अभी जो ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को मैं ओपन कर लेता हूँ पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। बैकग्राउंड हमारा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन हो गया है दोस्तों, वेरी नाइस। अब जो हमारा पहला स्टेप है, इस स्टेप के अंदर मुझे सबसे पहले मेरा खुद का फोटो को यहाँ पे ऐड करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं चला जाता हूँ ऐड फोटो के आइकन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा खुद का फोटो है उसको लेके मैं ऐड कर लेता हूँ। तो फोटो को ले लेने के बाद इसका बैकग्राउंड को मुझे इरेज करना होगा। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए यहाँ पे मैं कटआउट के ऑप्शन के अंदर चला जाता हूँ। एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका आउटलाइन को क्रिएट कर लेता हूँ ऐसे। आउटलाइन बना लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ। एंड दोस्तों मेरे पास भी उतना कुछ अच्छा कोई मतलब पोज वाला फोटो नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस फोटो को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका पोज थोड़ा सा मुझे यूनिक लगता है। तो एंड गाइस यहाँ पे एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब यहाँ पे अपना जो मतलब कटआउट है ना उसको आप जितना शार्प हो सके उतना शार्प करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे आपका पूरा फोटो ब्लैक होने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो मतलब एजेस है वो बहुत शार्प होना चाहिए, ताकि आपका फोटो दिखने में बहुत अच्छा लगे। तो शार्प करने के लिए अभी सबसे पहले आप ब्रश को चूज़ कर लीजिए, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद, जैसे यहाँ पे मैं मेरे फोटो के साथ कर रहा हूँ। तो अभी मैं ब्रश को चूज़ करता हूँ एंड हार्डनेस को करता हूँ मैं 95 के ऊपर, या पे आप 100 भी कर सकते हो। तो अभी मैं सपोज़ कि इसको 95 के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि फेस में से इसको मैं धीरे धीरे थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा टाइम लेना गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम आपको देना ही पड़ता है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा टाइम नहीं देंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो उतना अच्छा नहीं होगा, मतलब वो उतना शार्प नहीं होगा, उतना क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम देंगे, बस 5 से 10 मिनट ही लगता है दोस्तों इसको एक अच्छे से कार्ड आउट करने में। तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे अपने फोटो को एडिट कर लेना, ओके? तो अभी फटाफट मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, तब तक आप गाना सुन के इन्जॉय करिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपने फोटो को बहुत अच्छे से सिलेक्शन कर लिया है, बहुत परफेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया है। एंड मैं इसको ऊपर से कर लेता हूँ सेव, बहुत ही बढ़िया। अब गाइस यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो यहाँ पे आता है, जो कि है इस पूरा फोटो को ब्लैक करना। तो फोटो को आप ब्लैक कैसे कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फोटो के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे आना है इफेक्ट्स के अंदर। उसके बाद आपको नीचे कलर प्लेट्स के अंदर आना है, देन आपको यहाँ पे चूज़ करना है ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद सेटिंग को करना है ओपन, अमाउंट को करना है 0, ऊपर से करना है डन। आपका पूरा फोटो ब्लैक हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हो नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ग्रे कलर में है, ग्रे टोन में है। एंड हमारा जो फोटो है वो मतलब पूरी तरीके से ब्लैक है। तो इसको मैचअप कैसे कर सकते हो वो भी बहुत ही सिंपल है, आप बस ध्यान से देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एंड ध्यान से सुनो। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बार फोटो को चूज़ कर लूँगा एंड एडजस्ट के ऑप्शन के अंदर आऊँगा। एडजस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा कम करूँगा। आप बैकग्राउंड के साथ देखिए, जब ये मैच हो जाए तो आप उसी मतलब कलर के ऊपर इसको रख देना।
तो मेरा अभी इस कलर में आई थिंक मैच हो गया है। ऊपर से कर लूँगा इसको डन। अब मुझे इसका पोजीशन को एडजस्ट करना है, तो पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए मैं इसका साइज़ को थोड़ा सा पहले छोटा कर लेता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे। अब मैं इसको कर लूँगा ऊपर से डन। तो हमारा दो स्टेप यहाँ पे कॉम्प्लीट हो गया है दोस्तों। एंड यहाँ पे ही आपका जो फोटो है वो एक्चुअली फाइनल, आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो। वो फाइनल नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको फाइनल रिजल्ट यहाँ पे मिल गया है। तो कितना सिंपल है ना ये करना। अब गाइस चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, थर्ड स्टेप। वहाँ पे मुझे यहाँ पे एक मतलब PNG ऐड करना होगा, लाइट PNG। इसलिए यहाँ पे मैं ऐड फोटो के आइकन के अंदर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट PNG आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसका लिंक डाल दिया है, तो आप ब्लॉगस्पॉट के अंदर मेरे ब्लॉग के अंदर वहाँ पे आप चले जाओगे, देन आप वहाँ पे आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो अभी इसका जो ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड को करना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद ही आपका जो मतलब पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे की ओर ले आता हूँ एंड इसको मैं रखता हूँ कुछ इस टाइप से। एंड मैं आता हूँ यहाँ पे इरेजर के आइकन के अंदर, देन मैं फ़ोटो को पहले जूम करूँगा एंड ये जो एक्स्ट्रा जो मतलब पार्टिकल्स मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए उसको मैं यहाँ पे इरेज कर लूँगा। तो अभी मैं इसको ऊपर से कर लेता हूँ डन। एंड आप चाहो तो यहाँ पे इसका ओपासिटी को कम कर सकते हो, लेकिन इसको मैं अभी फुल ही रखता हूँ, ऊपर से कर लूँगा डन। बहुत ही बढ़िया। अब गाइज इसको मैं सेव कर लूँगा यहाँ पे ड्रॉ टूल के अंदर आके। ड्रॉ टूल के अंदर मैं यहाँ पे चलाता हूँ एंड इसको सेव करके इसको मैं थोड़ा सा कलर करेक्ट करूँगा Lightroom ऐप के अंदर। तो इस फोटो को मैं शेयर करके इसको मैं ओपन करता हूँ मेरे Lightroom ऐप के अंदर। गाइज Lightroom के अंदर फोटो इम्पोर्ट हो गया है मेरा। एंड यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको बस एक ही फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करना है, देन आपका मतलब कलर करेक्शन अच्छे से मैच हो जाएगा। कलर करेक्शन यानी कि आपका जो यहाँ पे मतलब मेरा जो यहाँ पे फोटो के अंदर पूरा ब्लैक है ना, ये थोड़ा सा ब्लैक है एंड बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रे टोन में है, मतलब मैच नहीं हो रहा एंड ये अच्छा कलर भी नज़र नहीं आ रहा है, ये ब्लैक जो कलर है। तो इसको मैच करने के लिए यहाँ पे आपको आना है नीचे, एकदम नीचे प्रीसेट के ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पे कार्ब को आपको चूज़ करते हुए, कार्ब को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे चूज़ करना है लिप शैडो। लिप शैडो चूज़ करने के बाद ऊपर से करना है डन। एंड ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, अमाउंट को कम करने के लिए यहाँ पे सन के आइकन के अंदर आप एक बार आना है एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा हल्का सा कम एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्हाइट्स को ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे। तो ये देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, एक फेड इफेक्ट भी आ गया है फोटो के अंदर। अब फोटो को सेव करने के लिए 3-डॉट आइकन, देन यहाँ पे सेव टू डिवाइस एंड हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी, देन ओके, आपका फोटो मतलब सेव हो जाएगी। आप इस ऐसे आप फोटो को सेव कर सकते हो Lightroom ऐप के अंदर। तो गाइस आई होप आपको ये जो मतलब पूरा फोटो एडिटिंग का प्रोसेस है आपको मालूम हो गया होगा एंड आई थिंक आपको कुछ डाउट भी नहीं रह गया होगा कि इसको कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है ये करना। तो आप भी अपना एक फ़ोटो ऐसे क्रिएट करना दोस्तों एंड मुझे इंस्टाग्राम के अंदर भी टैग करना, मेरा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है वीडियो। एंड आपको इस वीडियो के अंदर कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा वो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। आपको कौन सा इफेक्ट सबसे अच्छा लगा, ये जो PNG इफेक्ट आपको अच्छा लगा है या फिर मतलब ये शैडो अच्छा लगा है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो मैं मिलता हूँ एक अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।